न्यूज़ देखते हैं आप लोग? यार इंडिया में जो आप लोगों को अगर पता हो इंडिया में क्या हालत है, इंडिया में ना मतलब हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा लोगों को, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई इनको वापस आप ले जाएं, यहाँ जगह नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन शॉर्ट हुई भी, तो मतलब इतने सारे लोग मर रहे हैं वहाँ पे ना, तो हम पाकिस्तानी हमें तो खुश आना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत सेट है आप लोगों की? यार एक मतलब वो चल रहा है ना, वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, आप लोगों को पता है? न्यूज़ देखते हैं आप लोग? यार इंडिया में जो आप लोगों को अगर पता हो इंडिया में क्या हालत है, इंडिया में ना मतलब हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा लोगों को, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई इनको वापस आप ले जाएं, यहाँ जगह नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन शॉर्ट हुई भी, तो मतलब इतने सारे लोग मर रहे हैं वहाँ पे ना, तो हम पाकिस्तानी हमें तो खुश आना चाहिए ना। तो वो लोग मर रहे हैं ना इंडिया वाले, तो हमारा दुश्मन मुल्क है। यार इंसानियत देखें, इंसानियत तो है अपनी जगह, लेकिन वो एक मतलब हमारा दुश्मन मुल्क है, आप लोग नहीं समझते उसको दुश्मन। वो लोग हॉस्पिटल में हैं, उनके पास मतलब कह रहे हैं वापस इनको ले जाओ ऑक्सीजन है, लोग वैसे ही रोडों पे मर रहे हैं। यार हमें तो खुश होना चाहिए यार, हमें खुशी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं आप लोगों का इतना पाक महीना चल रहा है, आप हमारे लिए दुआ करें, आप लोग करेंगे या अच्छा दुआ करेंगे? बिल्कुल दुआ करेंगे उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको जल्दी। वहाँ के मुसलमानों की बात कर रहे हैं या आप सबकी बात करेंगे यार? अच्छा हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं? बात करेंगे कि यार उनके भी बीवी बच्चे होंगे, मतलब इंसान यहाँ के लोग जो ना ऐसी बात करते हैं कि जो ना इंडिया ऐसे आप लीव करें, मैं सऊदी अरब में होता हूं। अच्छा मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं इंडिया से, अच्छा बिल्कुल हमारे बीच में कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कुछ अच्छा। बात बताओ ये जो कोरोना वायरस चल रहा है जी सर, इंडिया में आपको पता है? अगर आपको पता है नहीं है पता, मैं बता देता हूँ, इंडिया में इतने बुरे हालात चल रहे हैं, वो ऑक्सीजन होती है जिसे हम सांस लेते हैं वो ख़त्म हो गई है, और जो अस्पतालों में है ना वो जगह भी नहीं मिल रही, डॉक्टर कह रहे हैं भाई इसको ले जाओ, लोग जो है ना रोडों पे मर रहे हैं, जगह नहीं है। तो आप तो खुश होना इससे, हम पाकिस्तानी लोग हैं। नहीं नहीं वो भी इंसान है, इंडिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो आप दुआ करोगे उनके लिए? ये अच्छा है मरे नहीं, मरे नहीं, अल्लाह सही उसी को बचावे, इंसान है ना यार, इंसानियत है ना, उसी की माँ बहन है बीवी बेटा है, वो तो क्या करेंगे बेचारे, वो मर जाएगा तो बच्चों की कौन करेगा? मतलब आप अल्लाह पाक से दुआ करोगे कि उन लोगों की जाने बच जाए? अल्लाह पाक करेगा, इंडिया में भी कयामत में कोरोना नहीं आएगा, भले वो हिंदू हो मुसलमान, भले मुसलमान हुए गैर मुस्लिम हुए, पर ये तो अल्लाह का इंसान ना यार। क्या बात है यार, दिल जीत, अल्लाह का इंसान ना यार, दिल जीत, अल्लाह का रहमत है ना। न्यूज़ कल आपको पता है इंडिया में क्या हालत हो रही है? कोरोना की वजह, हाँ इंडिया में बहुत बुरा हाल हुआ है, कह रहे हैं एक दिन में 2 लाख भी केस आए, 3 लाख भी केस आए, बहुत ज्यादा है उनके, तो मतलब वो लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, अस्पताल वाले कह रहे हैं हमारे पास जगह नहीं, आप इनको वापस कर ले, ऑक्सीजन भी नहीं है, शॉर्ट हुआ। तो अभी मैं एक वैसे एक सवाल आ रहा है जहन में, मतलब इंडिया में इतने बुरे हालात है, लोग मर भी रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी लोगों को खुश होना चाहिए ना इस मामले में? क्यों? तो सर जी वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है ना, वो तो हिंदू है, वो तो अजाब आया, तो यार वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया है, हिंदू लोग रहते हैं वहाँ, हम कैसे हिंदुओं के लिए दुआ करें? दुश्मनी अलग बात है, इंसानियत अलग बात है। अच्छा मतलब हमें इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए, इंसानियत की नज़र से। आप खुश नहीं हो, वो लोग मर रहे हैं? नहीं है, बहुत तकलीफ, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं यार, तो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें तो दुआ करनी चाहिए, अच्छा है मरे वो लोग, आप कह रहे हो नहीं मरे, हमारा दुश्मन नहीं है वो, दुश्मन है सही, तो फिर हमें तो वो मर रहे हैं, हमें खुशी होनी चाहिए। पर ये है कि भाई यार जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो इंसानियत होना चाहिए ना इंसान में, उसको मर रहे हैं, औरतें मर रही है, खड़े खड़े मर रही है, उसमें से थोड़ा हमारा दुश्मन है, दुश्मन तो सियासत वालों ने बनाया। अच्छा अच्छा मतलब उनकी आवाम से हमारी, हमें कोई दुश्मन ही नहीं है, वो लोग कह रहे हैं, वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि आपका इतना पाक महीना चल रहा है रमजान, तो आप हमारे लिए दुआ करो, आप करोगे दुआ उनके लिए? उसके लिए नहीं यार, है। मैंने बोला यार हम पाकिस्तानी लोग हैं, तो हमें खुश होना चाहिए ना यार, इंडिया वाले इस तरह मर रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए। क्यों खुश हम इसलिए नहीं हो रहे कि यार इंसानियत के नाते, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है यार, वो तो
हिंदू है ना, हिंदू तो फिर हमारा दुश्मन है ना यार, एक तो इंडिया भी हमारा दुश्मन बन गया। खेल के मैदान में अगर हम उसके उनके साथ सिटबाजी करें या हम ये सोचे कि यार ये हिंदू और मुसलमान है तो अलग बात है, लेकिन ये तो इंसानियत के नाते, ये तो सारी दुनिया में एक वबा चल रहा है, तो हमको खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि कल आज इनके ऊपर है तो कल हमारे ऊपर भी हो सकता है। अच्छा मतलब आप खुश नहीं है? नहीं नहीं, अरे मुझे लगा आप लोग मदद के लिए हम तैयार है, हमारे से कुछ हो सके तो हम वहाँ जा सके उनकी मदद और हेल्प कर सके। हमारी सोच ये है कि वो मुसलमान और हिंदू पे हम नहीं जाएंगे, आजकल जो हालात उन पे चल रहा है तो जो मुसीबत उन पे है तो हम उनके साथ जो है ना दुख में बराबर है और उनके हम में शरीक है। मतलब आप दिल से खुश नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है उनके साथ, दुख में बराबर के हम में शरीक है उनके। अच्छा, वो लोग ये भी कहते हैं यार आप लोग मुसलमान लोग आप हमारे लिए दुआ करें, आप करते हैं दुआ? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, रात को हम जब तरावी पढ़ा तरावी के बाद उनके लिए भी दुआ की, पूरा उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की। अच्छा, उनके लिए दुआ करते हैं मुसलमान हिंदू दोनों के लिए? मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए, इंडिया में नहीं बल्कि तमाम कंट्रियों में जितने भी मुसलमान है मुस्लिम जितने भी है इंसानियत के नाते सबके लिए उन्होंने दुआ की होगी। अच्छा अच्छा, मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह पाक उनके जो वबा है ये खत्म होनी चाहिए, खासकर मुसलमान वहाँ पे भी होंगे साफ ज़ाहिर, वो भी खुश नहीं हो इस बात से कि इंडिया में ये हाल हो रहा है, लोगों को जगह नहीं है हॉस्पिटल में, आप खुश नहीं हो? खुशी की बात तो है नहीं, इंसानियत के नाते तो खुशी की बात नहीं है, आगे सब पे रहम करे। और मेरा तो यही है कि भले हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सब पे ऊपर जो वबा हुई है ये खत्म होनी चाहिए, अल्लाह पाक रहम करे बस। मेरी यार बहुत अच्छी बातें की आपने, मुझे बड़ा। आपका नाम क्या? मोहम्मद जावेद। रिक्शा चलाते हैं जी? बड़ी खुशी हुई आपसे बात। थैंक यू, बहुत अच्छी करिए, बहुत अच्छी। अगर आपको मौका मिले कि आप उसको इंडिया वालों को बद्दुआ दोगे या दुआ दोगे, क्या कहते हैं? तो ये कि बद्दुआ तो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए मिलते हैं, तो आप दुआ करोगे उनके लिए कि अल्लाह उन लोगों को सेट कर दे? ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटलों में, नहीं वो कह रहे हैं आप मुसलमान लोग आप दुआ करें, रमजान चल रहे हैं, तो आप दुआ करोगे उनके लिए? वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है, हम क्यों दुआ करें? इंसान है, इंसानियत के नाते हमें करनी चाहिए ना। मतलब ये लोग यही सोचते हैं कि यार ये पता नहीं मुसलमान लोग पाकिस्तानी लोग हमें बुरा वाला कहते हैं। वो भी कुछ नहीं कहते, ये सिर्फ मीडिया है, ये मैं आपको मीडिया की वजह से साथ रहता हूं। अच्छा, वो लोग भी दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ रहते हैं, जैसे कि हमारे में कभी समझ ही नहीं आता कि ये पाकिस्तानी इंडिया ने, इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे इंडिया। अच्छा, मतलब आप लोग खुश नहीं है इस बात से कि वहाँ लोग मर? नहीं, मुझे लगा आप लोग खुश होंगे कि यार ये अच्छी बात है। मुसलमान भी वहाँ बहुत है, सही बात है, सही है। मतलब आप लोग इस बात से खुश नहीं है कि वहाँ हिंदू दोनों मर रहे हैं? नहीं, मुझे लगा मैं गुजर रहा था, मैंने लगा यार शायद आप खुश हो, आपसे मैं पूछ लूं। अच्छा, ऐसे खुश नहीं होना चाहिए हम लोगों को? नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो एक हमदर्दी है, एक इंसानियत के नाते, इस तरह का बिल्कुल नहीं खुश होना चाहिए। अगर क्रिकेट के मैदान में हॉकी हो या चोर हो तो चलो सिटबाजी चल जाती है यार, मुसलमान और हिंदू के ये सीरियस मैटर है। लोग अच्छा इस तरह के हालात में बिल्कुल नहीं खुश होना चाहिए, दुआ करना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह पाक अपना रहम करे, मदद करे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप बहुत अच्छे इंसान है यार, आपकी सोच माशाल्लाह बहुत अच्छी। आपका नाम क्या? मेरा नाम आबिद है। अच्छा आबिद भाई, ठीक है आबिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मतलब वो लोग कह रहे हैं मतलब कि मुसलमानों से हमारी अपील है कि आप हमारे लिए दुआ करो कि ये खत्म हो जाए, तो आप लोग दुआ करोगे उनके लिए? यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मतलब हमारा दुश्मन मुल्क है, हम क्यों दुआ करें? वो हमारे बारे में ऐसा बुरा भला कहते हैं, हम लोग क्यों? तो यार मैंने बोला मुझे लगा नहीं आप लोग आ रहे थे, मुझे लगा आप लोग खुश हो कि अच्छा इंडिया में बुरा हाल चल रहा है, हम अपना मौज कर रहे हैं। अच्छा मतलब वहाँ जो हिंदू भी मर रहे हैं मुसलमान दोनों के लिए दुआ या सिर्फ मुसलमान? दोनों के लिए, मुसलमान के लिए दुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अपने उनके भी जैसे बीवी बच्चे हैं, उनके भी घर में कोई फैमिली है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग उधर हमारे तो डबल तकलीफ है, वो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ तो बहुत बुरे हालात, लोगों को हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा, हमारे पूरे मुल्क को चाहते हैं भाई ऐसे उनके लिए दुआ करें, नाराजी हो जाए, बिल्कुल। मतलब आप लोग दुआ करोगे? हमें तो खुश होना चाहिए ना, इंडिया तो हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया में हालात आपको पता है क्या चल रहे हैं, वहाँ लोगों के पास जगह नहीं है हॉस्पिटलों में, लोग मर रहे हैं वहाँ, तो हमें तो खुश होना चाहिए, हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इंसान तो है ना, कोई भी हो, किसी भी धर्म मतलब है, तो इंसान है। अच्छा मतलब आप लोग इससे मतलब खुश नहीं है कि वहाँ लोग मर रहे हैं या? इंसान है, इंसान
इंसान है, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, सबको हमदर्दी होनी चाहिए। अच्छा तो फिर हमें, अच्छा अगर आपको कहे कि आप दुआएं करो उनके लिए, ये अच्छा है मरे बोलो, आप क्या करोगे? ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी के हक में दुआ करो, दुआ के बिल्कुल, मतलब हम लोग दुआ करनी चाहिए, हमें अपने पनाह में रखे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस है। हारिस नाम है, मेरा नाम भी हारिस है। आपका क्या नाम? अच्छा सैयद। आपका? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात किया यार, बहुत अच्छी सोच है आप लोगों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सोशल वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।